ब्रिटेन की इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी और अहम जानकारी से करते हैं शुरुआत। आपको बता दें कि नीट और जेईई पर राहुल गांधी का बयान आया है सामने। जी हां, ये बड़ी खबर, कोरोना संकट को संभालने में सरकार नाकाम रही, केंद्र सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। केंद्र को छात्रों को मजबूर नहीं करना चाहिए, राहुल गांधी ने जिक्र किया है। नीट और जेईई पर फैसला आम राय से होना चाहिए, ऐसा भी यहां पर जिक्र किया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार को घेरने की कोशिश की है। गवर्नमेंट हैज बीन इनकॉम्पिटेंट, सो व्हाई शुड द गवर्नमेंट फोर्स एनीथिंग ऑन यू? इट्स इंपॉर्टेंट दैट द गवर्नमेंट लिसन्स टू द स्टूडेंट्स, दे वाइज, दे हैव द इंटरेस्ट ऑफ दिस कंट्री एट हार्ट, एंड एनी डिसीजन दैट इज मेड विद रिगार्ड्स टू दीज एग्जाम्स is made after a conversation and after a consensus has been developed. And this is my message to the government of India. Please, you have already caused enough destruction to them. You have hurt the students of this country. Please listen to them. Have a conversation and resolve this issue peacefully.